देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद लगातार मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जिला कांगड़ा में पिछले एक हफ्ते में संक्रमण दर 16.71% तक पहुंच चुकी है और जिले में अभी तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 88,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। बूस्टर डोज के तहत 15,000 को कवर किया जा चुका है। हालांकि संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या काफी कम है। वर्तमान में 27 के करीब ही संक्रमित मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सही है, जैसे पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के नए केसेस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जैसे सारे देश में वैसे ही प्रदेश में और जिला कांगड़ा में भी। 29 दिसंबर को जो हमारे पास एक्टिव केसेस थे उनका आंकड़ा मात्र 80 था, जो पिछले कल शाम को बढ़ करके 2400 के आसपास हो गया है। ये चिंता का विषय है, पर इसका एक सुखद पहलू ये है कि जो इस बार के जो नंबर्स बढ़े हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का रेट और जो कंसिक्वेंट डेथ्स होती हैं अनफॉर्चुनेट वो उतने नहीं बढ़े हैं। पर क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, मेरी जैसे भारत सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हर एक आदमी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की सलाह दी जाती है और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट में कमी आई है इसका एक मुख्य कारण जो है सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का होना भी बताया गया। हालांकि हम लगभग अपनी पूरी आबादी को जो है वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो 15 साल से ऊपर के पात्र व्यक्ति हैं, पर अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी चाहे वो सेकेंड डोज है, बूस्टर है, जिसकी ड्यू है, छूट गई है, वो तुरंत अपने आप को वैक्सीनेट करे, सुरक्षित सुरक्षा पाए। साथ में जो है कोविड अप्रोप्रिएट कोविड अनुरूप व्यवहार, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं अनवैक्सीनेटेड हैं, उसका पालना हर एक को एक कर्तव्य के तौर पे करनी पड़ेगी, तभी हम इस संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। एक्टिविटी रेट जो है पिछले एक सप्ताह का जो है वो 16.71 पाया गया है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। ये आंकड़े बड़े हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जो टेस्टिंग है वो हमने पिछले कुछ पीरियड में बढ़ाई है, अभी आंकड़ा जो है रोजाना जो है वो 2,500 से 3,500 के बीच में रहता है। जो पहले जो था वो दिसंबर माह में यह संख्या जो थी 800 से 1,000 टेस्ट पर डे होती थी। सेकेंडली जो हॉस्पिटलाइजेशन है डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी है इस पीरियड में, पर जितना अनुमानित नए केसेस आए हैं उसके हिसाब से बहुत कम है। आज सुबह तक हमारे पास 27 पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं 2400 एक्टिव केसेस में से, जो कि 0.1% के आसपास ही बनता है। पर हमारे लिए हर एक जान कीमती है, हम सभी से ये अपील करते हैं कि वो अपने आप का बचाव करें। बचाव ही एक मुख्य कारगर रहेगा।